आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। ये हम जब बहुत छोटे थे तब से हम लोग यहीं पले बड़े, हमारी शादी हुई, हमारे बच्चे भी अब यहाँ पे आते हैं। ये बहुत प्रसिद्ध मंदिर है और बहुत पुराना है, यहाँ पे मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। हनुमान जी को लेकर के आज ये बात कही जाती है कि आज वो अजर अमर आज भी हैं, इस पर कितना विश्वास? मेरी भी आस्था है और मैं मानती हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूँ आपके साथ आस्था की बात। अगर बात की जाए तो हनुमान जी की, तो हनुमान जी का जो एक बाल स्वरूप है वो अपने आप में ही जो है एक अलग ही छाप छोड़ता है। वहीं अगर बात की जाए तो रामायण के साथ साथ आज भी जो है हनुमान जी के अस्तित्व की बात होने की दावे किए जाते हैं। कहा जाता है कि हनुमान जी आज भी अजर हैं, अमर हैं। दरअसल आज हम इस बात का क्यों जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि जब हम जहाँ पर मौजूद हैं, सबसे पहले आपको वो बता दें, दिल्ली के कैनॉट प्लेस पर हम मौजूद हैं और जो हमारे पीछे आप ये मंदिर देख रहे हैं ये प्राचीन सिद्ध हनुमान मंदिर कहलाता है। इस हनुमान मंदिर की जो है कई सारे ऐसे इतिहास हैं जो अपने में ही बहुत ही बड़ा विघमान के रूप में दिखते हैं। कहा जाता है कि पांडवों के कुरुक्षेत्र को जीतने के बाद का मंदिर स्थापित किया गया है। तुलसीदास ने हनुमान चालीसा इसी पवित्र स्थान पर पढ़ी थी और वहीं निरंतर जाप के लिए गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में इसका नाम भी दर्ज किया गया है। मुगल शासक से ये जाना जाने वाला प्रसिद्ध हनुमान मंदिर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर खुद अकबर जो है भगवान किसको स्पर्श करने आते थे, भगवान की पूजा अर्चना करने के लिए इस दरबार में आया करते थे। महाभारत काल से बाल हनुमान को समर्पित एक प्राचीन मंदिर यह दिल्ली में पांडवों द्वारा स्थापित किया गया था, जहां 5 मंदिरों में से एक माना जाता है। मंदिर में श्री राम, जय राम, जय जय राम के महामंत्र का जाप 1964 से लगातार होता आया है। 24 घंटे यहां पर लगातार ये जाप होता था, जिसकी वजह से आज भी जो है गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में इसका नाम दर्ज है। वहीं बात की जाए वर्तमान में हनुमान मंदिर का स्वरूप सन 1924 में श्रद्धालुओं के सम्मुख आया, जब तत्कालीन जयपुर रियासत के महाराज जयसिंह ने इसका फिर से जीर्णोद्धार करवाया था। उसके पूर्व कैनॉट प्लेस स्थित भगवान हनुमान का यह दिव्य मंदिर आक्रमण और आततायी अत्याचार के तमाम झंझवातों से भी जूझता रहा था। वहीं मुगल शासकों के दौर में इस मंदिर पर कई बार आक्रमण कराने की कहानियां भी हमारे सामने आई, लेकिन वहीं अगर चमत्कार की बात की जाए तो श्रद्धा पूर्ण है कि हनुमान जी के मंदिर में बाल रूप को भी अभी कोई तक क्षति नहीं पहुंचा पाया है। इस मंदिर पर 33 पीढ़ियां जो हैं लगातार काम कर चुकी हैं। वहीं अगर बात की जाए तो इसका इतिहास जो है लगातार मुगलों से जुड़ा आया है। मुगलों में जिस तरीके से अकबर यहाँ पर दर्शन के लिए आते थे, तुलसीदास से भी जुड़ा यहाँ पर है। वहीं अगर जाप की बात की जाए, अब ऐसे में यहाँ पर आने वाले श्रद्धालु इस मंदिर के लेकर के कितनी आस्था रखते हैं, क्या वाकई ये एक सिद्ध मंदिर के तौर पर जाना जाता है, क्या वाकई उनकी इच्छाएं पूरी हुई हैं, आइए हम चर्चा करते हैं और हनुमान मंदिर के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। दर्शन करने आई हैं? हाँ जी। इसके इतिहास के बारे में क्या जानती हैं? मैम कुछ नहीं जानते, छोटे में आते थे। छोटे में आते थे तो यहाँ पर बाबा की भी जो है बाल स्वरूप की प्रतिमा रखी हुई है, कैसे मन शांत होता है? अभी तक कोई ऐसी मुराद मांगी जो है? ना ना, आज मांगने आए थे मुराद, देखो क्या पता पूरी हो जाए। क्या आप मुराद मांगे? हाँ, क्या बताए? ये हम जब बहुत छोटे थे तब से हम लोग यहीं पले बड़े, हमारी शादी हुई, हमारे बच्चे भी अब यहाँ पे आते हैं। ये बहुत प्रसिद्ध मंदिर है और बहुत पुराना है, यहाँ पे मनोकामनाएं भी पूरी होती है। कुछ इसके इतिहास के बारे में जानती हैं? जिस तरीके से कहा जाता था कि अकबर यहाँ पर आकर के दर्शन करने आते थे। हाँ, कहते तो हैं, हमने सिर्फ सुना है, जितना तो नहीं जानते पहले का, पर सुना जरूर है कि यहाँ पे जो पहले जहाँ महाराजा जो थे कहीं दूसरे देश में जब लड़ने जाते थे तो पहले बाबा के पास आते थे मत्था टेक। हनुमान जी को लेकर के आज ये बात कही जाती है कि आज वो अजर अमर आज भी हैं, इस पर कितना विश्वास? मेरी भी आस्था है और मैं मानती हूँ। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।